हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने रहे जो भी आप लोग वेब पेज पे जो टेक्स्ट शो करते हैं उस टेक्स्ट के अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए या फिर आप लोगों को सेंटर अलाइनमेंट चाहिए या फिर आप लोगों को राइट अलाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लोगों को वेब पेज पे शो करना है उसके अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोग प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आइकॉन, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कंट्रोल बटन साथ में एन बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए। उसका जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे बॉडी टैग में आप लोगों को एक जो भी टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पी टैग ओपन कर देता हूँ। पी टैग ओपन करने के बाद में यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे दिस इज माय राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे हम लोग जो पी टैग ओपन किए इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे पी टैग को क्लोज किए, क्लोज करने के बाद में इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे। कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस करने के बाद जिस लोकेशन पे आप लोग फाइल सेव करना है उसका पाथ यहाँ पे सेव कर दो। बाय डिफॉल्ट जैसे मुझे बेसिक एचटीएमएल इसी फोल्डर में सेव करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइल नेम दे दूंगा। फाइल नेम मुझे देना है समझो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे मैं फाइल नेम दे रहा हूँ। फाइल नेम देने के बाद में यहाँ पे सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में इस फाइल को हम लोग रन करेंगे। फंक्शन की F5 बटन प्रेस कर दो। F5 बटन प्रेस करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो भी फाइल जिस लोकेशन पे आप लोगों ने सेव की उस लोकेशन का पाथ यहाँ पे सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिक एस्टीमेट इसी मेरी फाइल है, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटेड फाइल जो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। और उसमें जैसे अलाइनमेंट मेरे फाइल का नेम है तो इस पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करना है। रन बटन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज माय राइट अलाइनमेंट। जो बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों के जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, लेकिन अगर आप लोगों को राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इसे हम लोग क्लोज करेंगे या फिर इसी वेब पेज का जो हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। हाफ स्क्रीन करने के बाद साइड बाय साइड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस की भी हाफ स्क्रीन कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पी टैग के अंदर जो स्टार्ट टैग आप लोगों ने किए थे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एट्रीब्यूट नेम देना है, जैसे अलाइन ये एट्रीब्यूट नेम है इक्वल टू यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट उसका वैल्यू देना है आप लोगों को। डबल कोड यहाँ पे टाइप कर दो और यहाँ पे जैसे मुझे राइट चाहिए RIGHT राइट यहाँ पे टाइप किए, डबल कोड कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल एस करना है, सेव किए और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे जो अलाइनमेंट आप लोग टेक्स्ट की लेफ्ट में शो हो रही थी अब यहाँ पे वो राइट में शो हो रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज क्या है। वैसे अगर आप लोगों को जो भी अलाइनमेंट जैसे यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर देंगे पूरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इसे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल सी करने के बाद में यहाँ पे एंटर कर देंगे कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट किए। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक बी आर टैग यूज करेंगे ब्रेक लाइन के लिए। बी आर टैग ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को जो भी अलाइनमेंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अलाइन राइट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे अगर राइट की जगह पे अगर मैं सेंटर टाइप कर रहा हूँ दिस इज माय सेंटर, यहाँ पे राइट की जगह सेंटर लिख देता हूँ, दिस इज माय सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट। अब यहाँ पे इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल एस कर दो और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि जो भी अलाइनमेंट आप लोग यहाँ पे शो हो रही थी, जैसे राइट अलाइनमेंट है और यहाँ पे ये सेंटर अलाइनमेंट है, यहाँ पे आप लोग समझ गए। और जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जो अलाइनमेंट मिल जाती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन अगर आप लोगों को लेफ्ट अलाइनमेंट भी चाहिए जैसे मैं यहाँ पे एंडिंग में हम लोग ये जो बी आर टैग है इसे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद में जो हम लोगों की ये जो लाइन है यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे और कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जैसे आप लोगों को यहाँ पे जो भी अलाइनमेंट, जैसे यहाँ पे जैसे सेंटर अलाइनमेंट है यहाँ पे हम लोग लेफ्ट टाइप कर देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। अब टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप लोग कंट्रोल एस करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में आप लोग क्या देखेंगे जो भी अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर में ही शो हो रही है तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर है, लेकिन अगर अलाइनमेंट यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट करने के बाद कंट्रोल एस करना है आप लोगों को। कंट्रोल एस करने के बाद में यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख करके अलाइनमेंट लेफ्ट में आ जाएंगे। तो आप लोग अलाइनमेंट लेफ्ट लेके भी लेफ्ट में ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों का जो भी वेब पेज है उस पर जो टेक्स्ट आप लोग टाइप करते हो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही होती है। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि अगर आप लोगों को अलाइनमेंट राइट लेना है सेंटर लेना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलाइनमेंट ले सकते हैं। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप लोगों को अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है तो वहाँ पे लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप लोग अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट टाइप भी करोगे तो भी आप लोगों की अलाइनमेंट लेफ्ट आ जाएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मुझे एक टेक्स्ट के बारे में बताना था जो आप लोग वेब पेज पर टेक्स्ट शो करते हैं उसके अलाइनमेंट अगर आप लोगों को राइट लेना है या उसके बाद में अगर आप लोगों को लेफ्ट लेना है या आप लोगों को सेंटर लेना है तो आप लोग कैसे लेंगे, ये आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग प्रैक्टिकली बताया। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो
और अगर आप लोगों के HTML रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।